हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस 1 2 3 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरएसी ट्रेड के एयर कंडीशनर नामक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाएं और वहां से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर कंडीशनिंग एक प्रक्रिया है जिससे हवा के गुण, यानी हवा के जो गुण होते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे तापमान और आर्द्रता को अधिक अनुकूलन परिस्थितियों में बदले जाते हैं। तो एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हवा के गुण, जैसे तापमान और आर्द्रता को अधिक अनुकूलन परिस्थितियों में बदले जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, एयर कंडीशनिंग तापमान तथा ताजी हवा और नमी का आदर्श संतुलन बनाती है। जो एयर कंडीशनिंग तापमान तथा ताजी हवा और नमी आदर्श को क्या बनाती है, आदर्श संतुलन बनाती है। तो दोस्तों, एयर कंडीशनिंग जो होती है तापमान तथा ताजी हवा और नमी को आदर्श संतुलन बनाती है। अगला देखते हैं, एयर कंडीशनर का फिल्टर भाग हवा को साफ करने में मदद करता है। जो एयर कंडीशनर का फिल्टर भाग होता है वह हवा को साफ करने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। अगला देखते हैं दोस्तों, एयर कंडीशनर को बारिश और धूप के संपर्क में होने के थर्मोस्टेट लिए डिजाइन लिया जाता है। एयर कंडीशनिंग को बारिश और धूप के संपर्क में होने के लिए डिजाइन लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों, डिजाइन लिया जाता है। अगला देखते हैं, रूम एयर कंडीशनर में आने वाली ताजी यानी फ्रेश हवा को यदि कैबिनेट के अंदर एक डैम्पर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, डैम्पर के द्वारा। तो दोस्तों, रूम एयर कंडीशनर में आने वाली ताजी हवा को यदि कैबिनेट के अंदर एक डैम्पर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, डैम्पर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, डैम्परों को एडजस्ट करके ताजी हवा की क्वालिटी को रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, डैम्परों को एडजस्ट करके क्या किया जाता है, ताजी हवा, क्या किया जाता है, फ्रेश एयर की क्वालिटी को रेगुलेट किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक रूम एयर कंडीशनर की मेजर यूनिट होती है। तो दोस्तों, मेजर यूनिट क्या क्या होती है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्या होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम फिल्टर, यानी सॉरी दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम क्या है दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम। अगला है वेंटिलेशन, क्या है, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन सिस्टम। इसके बाद है दोस्तों, एयर सर्कुलेशन सिस्टम, क्या है, एयर सर्कुलेशन सिस्टम, और एग्जास्ट प्रणाली, कौन सी प्रणाली, एग्जास्ट प्रणाली होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेशन प्रणाली में प्रयोग किया गया रेफ्रिजरेट R12 या R22 होता है। तो दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेट प्रणाली सिस्टम में प्रयोग किया गया रेफ्रिजरेंट जो होता है वह कौन सा होता है, या तो वह R12 हो या तो R22 होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, एयर कंडीशनरों को 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों, जो
सिंगल फेस होते हैं, जो सिंगल फेस के एसी होती है उसको 230 वोल्ट पर, कितने वोल्ट पे, 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला देखते हैं, एक रूम एयर कंडीशनर, एक रूम एयर कंडीशनर का प्रयोग सर्दियों के दौरान एक रिवर्सिंग वाल्व को लगाकर कमरे को गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक रूम एयर कंडीशनर का प्रयोग सर्दियों के दौरान एक रिवर्सिंग वाल्व को लगाकर, किसको लगाकर, रिवर्सिंग वाल्व को लगाकर कमरे को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। रिवर्सिंग वाल्व एक टू पोजीशन वाल्व है, रिवर्सिंग वाल्व एक टू पोजीशन वाल्व है। इसके चार पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, चार पार्ट होते हैं वो पार्ट। अगला देखते हैं, विंडो एयर कंडीशनर की, विंडो एयर कंडीशनर की एक प्रमुख इकाई कंट्रोल सिस्टम में थर्मोस्टेट और सिलेक्टर स्विच होता है। क्या होता है, विंडो एयर कंडीशनर की एक प्रमुख इकाई कंट्रोल सिस्टम में थर्मोस्टेट और सिलेक्टर स्विच होता है, थर्मोस्टेट और सिलेक्टर स्विच होता है। अगला देखते हैं, एयर डिशिंग, एयर कंडीशनिंग का मतलब हवा को शुद्ध प्योर करना भी होता है। तो दोस्तों, एयर कंडीशनिंग का मतलब हवा को शुद्ध करना यानी हवा को प्योर करना भी होता है। ईईआर का पूर्ण रूप, ईईआर का पूर्ण रूप क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होता है। ईईआर का पूर्ण रूप एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होता है। अगला देखते हैं, ऊर्जा दक्षता रेटिंग, यानी वही चीज़ आ गया, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग यानी ऊर्जा दक्षता रेटिंग यानी ईईआर, ईईआर रूम एयर कंडीशनर की क्षमता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो ईईआर होता है यानी ऊर्जा दक्षता रेटिंग होता है, वह रूम एयर कंडीशनर की क्षमता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ करने के लिए, क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। रूम एयर कंडीशनर की रेटिंग जितनी अधिक होगी दक्षता उतनी ही उच्च होगी। तो रूम एयर कंडीशनिंग की रेटिंग जितनी अधिक होती है उसकी दक्षता यानी उसकी एफिशिएंसी भी उतनी उच्च ही होती है। अगला देखते हैं, यदि कमरे का तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक है तो थर्मोस्टेट को सबसे ठंडी सेटिंग पर रखना चाहिए, पर सेट करना चाहिए ताकि पंखे को सबसे उच्च गति पर चलाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि कमरे का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थर्मोस्टेट को सबसे ठंडी सेटिंग पर सेट करना चाहिए यानी ठंडी जगह पर उसको क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए, और पंखे को उच्च गति यानी हाई स्पीड से चलाना चाहिए हम लोगों को। अगला देखते हैं, यदि एयर कंडीशनर से रेफ्रिजरेट बाहर लीक कर रहा है तो एयर कंडीशनर को बंद कर देना चाहिए। यदि एयर कंडीशनर से रेफ्रिजरेंट जो होता है अगर लीक करने लगे, क्या करने लगे दोस्तों, लीक करने लगे, तो हमें एयर कंडीशनर को बंद कर देना चाहिए। अगला, एयर कंडीशनर हवा को कीटाणु रहित बनाने में मदद करता है। एयर कंडीशनर जो होता है हवा को कीटाणु रहित यानी उसमें कीटाणु नहीं आते हैं उसको बनाने में क्या करता है, कीटाणु रहित बनाने में मदद करता है। तो क्या करता है, एयर कंडीशनर करता है। अगला, रूम एयर कंडीशनर का मुख्य यूनिट वेंटिलेशन का तात्पर्य फ्रेश एयर डैम्पर से है। रूम एयर कंडीशनर का मुख्य यूनिट वेंटिलेशन का तात्पर्य फ्रेश एयर डैम्पर से है। अगला, फिल्टर को साबुन और पानी के घोल से साफ करना चाहिए। तो दोस्तों, जो उसका फिल्टर होता है उसको हमें साबुन और पानी के घोल से साफ करना चाहिए। एयर कंडीशनरों की दर रेट हीट की ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी जो BTU की संख्या द्वारा यानी नंबर द्वारा निर्धारित की जाती है। तो एयर कंडीशनरों की जो दर होती है, जो रेट होती है, उसको हम किससे निर्धारित करते हैं, BTU की संख्या यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट
की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, एयर कंडीशनिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से हवा के दो गुण तापमान और नमी को बदलती है। तो दोस्तों जो एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से तापमान और नमी को क्या करती है, बदलती रहती है। अगला देखते हैं, एक विंडो एयर कंडीशनर के खराब कूलिंग करने का सबसे आम कारण फिल्टर का गंदा होना। तो दोस्तों जो विंडो एयर कंडीशनर होता है वो खराब कूलिंग करने का सबसे उसका जो आम कारण होता है, यानी जो कारण होता है वो क्या होता है, फिल्टर का गंदा हो जाना। जब फिल्टर गंदा हो जाता है तो वह कूलिंग सही नहीं करता है। अगला देखते हैं, स्विच सिलेक्टर स्विच यूनिट को ऑन करता है। तो दोस्तों जो सिलेक्टर स्विच यूनिट है वह स्विच को क्या करता है, ऑन करता है। अगला देखते हैं, विंडो एयर कंडीशनर को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ लगभग 1.5 सेंटीमीटर प्रति मीटर के ढलान में होना चाहिए। तो दोस्तों जो विंडो एयर कंडीशनर को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ लगभग कितना हमें ढलान करना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर प्रति मीटर ढलान पे होना चाहिए। एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर की ट्यूब को साफ करने के लिए ट्राइक्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर की ट्यूब को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ट्राइक्लोरोएथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, हार्मेटिक या सील्ड प्रकार के कंप्रेसर में कम आवाज़ होने का फायदा है। हार्मेटिक या सील्ड प्रकार के कंप्रेसर में कम आवाज़ होने का फायदा होता है। तो जो हार्मेटिक या सील्ड प्रकार के कंप्रेसर होते हैं उसमें आवाज़ें क्या होती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा आवाज़ें नहीं होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, R717 तथा R718 प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट का उदाहरण है। तो दोस्तों जो R717 होता है, यानी जो रेफ्रिजरेंट होता है, और R718 होता है वो प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, उदाहरण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।